अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है मफिन की बर्थडे का व्लॉग है, और ये मफिन की बर्थडे से एक दिन पहले का दिन है। और मैं अभी जा रही हूँ बाहर क्योंकि मुझे मफिन के लिए कुछ लेना था, कोई गिफ्ट लेना था, तो उसके लिए जा रही हूँ और बलून्स वगैरह लूँगी। तो मैंने एक दिन पहले से ही व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। और यहाँ मैं आपको सूजी दिखा रही थी। सूजी माशाल्लाह, सूजी के एक दो दिन में बेबीज़ होने वाले हैं, काफ़ी मोटी हुई हुई है। और जब इसके बेबीज़ होंगे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। और ये जैनी, बहुत दिन से आपने इसको मेरी वीडियोस में नहीं देखा, तो सोचा आपको जैनी को भी दिखा दूँ। आज वेदर बहुत अच्छा है, बहुत प्लेजेंट वेदर है, तो चलें जी, चलते हैं। स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे मैं देख रही थी कि उसके लिए क्या लूँ, ट्रीट्स लूँ या क्या लूँ। एक तो मफिन जो है ना वो बड़ा हो चुका है, तो मफिन बहुत सिलेक्टिव चीज़ें उसको पसंद आती हैं। पहले मैंने सोचा उसके लिए कॉलर, वो बेल्ट ले लूँ, नेक बेल्ट, लेकिन वो नहीं पहनता वो। तो बस देख रही थी कि क्या लेना चाहिए उसके लिए। और एक मुझे ये बॉल बहुत अच्छी लगी, छोटी सी, इसके अंदर बेल भी थी, तो मैंने ये ले ली। मैंने कहा मफिन भी खेलता है और बच्चे भी खेलते हैं तो वो एंजॉय करेंगे। साथ में मैंने ये बिस्किस जेली के मैंने पैकेट्स लिए हैं, ये आई थिंक 200 का ईच था। और एक मैं यहाँ पे हट देख रही हूँ छोटा सा, तो वो मैं लेने लगी हूँ। और यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे थे हर साइज़ का और डिफरेंट टाइप्स के दिखा रहे थे, लेकिन मुझे ये वाला ज़्यादा प्यारा लगा था, ये येलो और अंदर से रेड कलर का था, तो ये मुझे बहुत क्यूट लगा। तो फिर मैंने ये मफिन के लिए निकलवा लिया था। और साथ में मैंने उसके लिए लेना था, एक सारे बच्चों के लिए रेफ्लेक्स फीट का बैग लेना था, एक हम लोगों ने वो लिया। और फीट जो है आजकल ब्लैक में मिल रही है, और ये हमें आई थिंक 16,000 का ये बैग हमें मिला था। और जब हम चीज़ें ले रहे थे तो उसी ड्यूरिंग इतनी तेज़ बारिश हो गई थी, मौसम बहुत ख़राब था, अभी भी बारिश हो रही है। और यहाँ पे कुछ फ्रूट्स लेने थे, फ्रूट्स लिए, और फिर मैंने और फजैल ने खाया कबाब शवारमा। तो हमने सीख कबाब वाला था, ये हमने गाड़ी में ही बैठ के खाया था। और ये खा के थोड़ा सा बारिश कम हुई, और हम लोग फिर अब जा रहे हैं, मैं होममार्ट जा रही हूँ, वहाँ से मैं कोई बैलून्स वगैरह और कैंडल्स वगैरह मफिन के लिए ले लूँगी। मफिन माशाल्लाह माशाल्लाह 4 ईयर्स का हो गया है, और इस टाइम हमारे घर में जितनी भी कैट्स हैं ना, उनमें मफिन सबसे बड़ा है। तो मफिन वो बच्चा था जो आप सब कह सकते हैं कि हमारे घर में आने वाले सबसे पहले किटन्स में से मफिन ही आया था, क्योंकि हमने जो सबसे पहले कैट अपना रखा था वो एक स्ट्रे कैट था, वो बड़ा था, जो स्कूबी का बाप था। उसके बाद हम लोगों को ना डैनी के बाद हमें, मुझे बहुत शौक़ था कि मेरे पास भी ना वाइट पर्शियन बड़े बालों वाला बच्चा हो। तो फिर मैंने मफिन और मफिन के एक भाई को परचेज़ किया था, दोनों भाई थे और दोनों 1-1 मंथ के थे, दोनों मेरी जान थे और मैं दोनों से इतना प्यार करती थी। लेकिन जब मफिन की फ़र्स्ट बर्थडे हुई, उसका भी व्लॉग मेरे इसी चैनल पर है, तो उस बर्थडे के 10 डेज़ के बाद मफिन के भाई की डेथ हो गई थी, ईवा की। तो उसके बाद फिर जब उसकी डेथ हुई, मैं उससे बहुत प्यार करती थी, मैं 1 मंथ स्ट्रेस में रही थी। उसकी डेथ के बाद मफिन मेरे से और अटैच हो गया, क्योंकि मफिन ने फिर उसकी जगह भी लेने लग गया। और हमारे घर में माशाल्लाह जितनी कैट्स हैं ना, वो सब मफिन के ही बच्चे हैं, और मफिन की बहुत नस्लें हैं। तो मफिन हमारा सबसे बड़ा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा, और मफिन मुझे ममा कहता है, और जब ममा कहता है ना, तो मुझे उससे और ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो यहाँ हम घर आ गए थे, और उसके बाद हमने बैलून्स वगैरह जो हैं वो ब्लो आउट कर रहे थे। अभी आप देखेंगे कि मैं कौन कौन से लाई हूँ, और बच्चे बहुत फैसिनेट हो रहे थे कि ये क्या चीज़ है, अट्रैक्ट हो रहे थे इसकी तरफ, लेकिन डर भी जाते थे क्योंकि इनका ज़रा सा हल्का सा नेल लगता था और बैलून जो है वो फट जाता था। अच्छा, आज का व्लॉग थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, क्योंकि मैं चाहती थी कि मफिन की बर्थडे प्रिपरेशन और बर्थडे पूरे एक ही व्लॉग में पाइल अप कर लूँ, लेकिन आप बहुत इन्जॉय करेंगे आई एम श्योर। तो प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा व्लॉग को।
जी, तो अब नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है, यानी कि बर्थडे वाला दिन स्टार्ट हो गया है और हम लोग रूम को भी डेकोरेट करेंगे। अच्छा, पहले जब भी मफिन की बर्थडे होती थी तो मैं लाउंज डेकोरेट करती थी, आज मैं बेडरूम कर रही हूँ और यहीं पे हम मफिन के सारे ताकि टॉयज़ वगैरह मैं इसके बेड पे रख दूँगी और जो उसके गिफ्ट्स होंगे वो भी रख दूँगी यहाँ पर। और हम लोग खाना जो है फिर हम लाउंज में खाएंगे और मैंने अपनी फैमिली को इनवाइट किया हुआ है, वो भी आएंगे, उनको भी मफिन से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा। तो मामा वगैरह भी थोड़ी देर में आ जाएंगे, तो उनके आने से पहले पहले मैं रूम को डेकोरेट कर लूँगी और फिर खाना वगैरह बनाऊँगी। और ये हमारी एक तरह से फैमिली गैदरिंग हो जाती है, और जैसे एक बच्चे की बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही हम इनकी करते हैं। अच्छा, बहुत लोगों को ये भी होगा कि मैं इनके ऊपर क्यों पैसे ज़ाया कर रही हूँ, तो मैं ये पैसे ज़ाया नहीं कर रही हूँ, ये मेरे बच्चों की तरह है और मैं मफिन को अपना बच्चा ही समझती हूँ, इसलिए मैं उसके ऊपर पैसे लगा रही हूँ। इंसान अपने बच्चों पर और अपनी बर्थडेज पर पैसे लगाता है ना, मुझे पसंद है इनको खुश करना। और यहाँ पे हमने रूम को सेट कर लिया, मफिन के गिफ्ट्स मैंने खोल कर रख लिए हुए हैं और मफिन साहब इधर बिस्किट्स खा रहे हैं अपने। मम्मा बोलो, फिर आपको मटन मिलेगा। मफिन इधर आओ, मफिन का फेवरेट है ये। मफिन मम्मा तो बोलो, इधर आओ, इधर 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 आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऊपर आओ। ये देखो, ये मफिन खाएगा। चलो एक मिनट रुको, यहाँ रख। ये मफिन के गिफ्ट्स पड़े हुए हैं और मफिन मटन खाना चाहता है। मफिन, ओ ले लिया। ये बॉइल्ड है, बॉइल करके मैं इसको दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ खाना, शाम हो रही है और जल्दी जल्दी से डिनर बना रही हूँ। और क्या बना रही हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। अभी मैं जा रही हूँ बाहर, मैंने लेना था मफिन के लिए केक, और 9 बजने वाले हैं। 9 बजे आपको पता है कि सारी शॉप्स वगैरह और बेकरीज बंद हो जाती हैं, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, केक लेती हूँ और फिर घर आके फिर हम उसका केक कट करेंगे और खाना वगैरह खाएँगे। और ये गली यहाँ पर ओपनिंग हुई है शाहिद अफरीदी के ब्रांड की, होप नॉट आउट की। और इसके साथ पहले मैं दिल्ली पर गई थी, दिल्ली स्वीट्स पे, लेकिन मुझे वहाँ से कोई केक नहीं अच्छा लगा क्योंकि ख़त्म हो गए थे, तो फिर मैंने हमीद स्वीट से लिया है। और ये मैं लाई हूँ मैंगो आइसक्रीम केक, मैंने वैसे फ़र्स्ट टाइम मैंगो फ्लेवर में केक खाया था, लेकिन ये बहुत मज़े का था और घर में भी सबको बहुत अच्छा लगा ये केक। तो यहाँ पर केक ले आए हैं और थोड़ा सा मैंने मफिन को भी दिया था। वैसे तो कैट्स को मीठा नहीं देना चाहिए, लेकिन आज तो उसकी बर्थडे थी ना, उसका बनता था। और मैंने खाने में आज क्या बनाया है, मैंने बनाया है मटन पुलाव और साथ में मैंने यहाँ पे शनवारी कढ़ाई बनाई हुई है, मटन पुलाव है, और मैंने चिकन बलोची टिक्का कढ़ाई भी साथ बनाई थी क्योंकि हमारे गेस्ट जो थे उनमें से एक ऐसा था जिसको मटन बीफ बिल्कुल नहीं पसंद, तो उसके लिए मैंने फिर चिकन बलोची कढ़ाई बनाई थी मैंने। और बाकी ये दोनों चीज़ें जो हैं ये मटन की हैं,
तो यहाँ पे मैं बस खाना निकाल रही हूँ और अब मैं सर्व करती हूँ। और मैं भी तैयार हो गई थी मफिन के लिए, क्योंकि जाहिर है मेरे बेटे की बर्थडे थी तो मैंने तो तैयार होना था ना। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, जैसे हमारा केएफसी नहीं होता। इसको बाउल के दर पीछे से म्यूजिक चल रहा था तो मुझे बार बार जो है ना जो रियल वॉइस थी वो म्यूट करनी पड़ रही थी, क्योंकि कॉपीराइट का फिर इशू हो जाता है। सॉन्ग्स लगे हुए थे। मफिन मफिन केक देखो, केक देखो मफिन। अब मैं यहाँ पर गिफ्ट्स खोल रही हूँ जो मफिन के लिए आए हैं। तो मामा वगैरह जो है मफिन के लिए बड़ा ही मज़े का गिफ्ट लेकर आए थे, जो इसका बहुत 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 फेवरेट है। तो यहाँ मैं खोल रही हूँ और साथ में चाय भी बन रही है। मेरी सिस्टर चाय बना रही थी और चाय के साथ हम लोग केक खाएंगे। और ये देखें जी, यहाँ पे भी वैसे म्यूज़िक चल रहा था तो मैंने इसलिए जो है रियल वॉइस जो है मैंने म्यूट कर दी। सॉन्ग्स फजैलने लगाए हुए थे। और ये लाए हैं विस्कस का जेली फूड, ये सैलमन फ्लेवर में लाए हैं। और मफिन का और मेरी सब कैट्स का मोस्ट फेवरेट है ये, बहुत फेवरेट है ये। तो ये गिफ्ट मैं लेकर आए थे और मुझे उनसे ज़्यादा तो मुझे खुशी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये गिफ्ट। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मफिन और भी कई साल जिएगा, अल्लाह ताला उसकी बहुत लंबी उम्र करेंगे और हम उसकी ऐसी बर्थडे सेलिब्रेट करते रहेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आई होप आपको आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं आपके साथ अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी या नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी। और यहाँ पे देखें हम स्कूबी को खाना दे रहे हैं और स्कूबी कितना इंजॉय कर रहा है, पागलों की तरह खा रहा है स्कूबी, हालांकि स्कूबी बिस्किट्स नहीं खाता है। तो बस मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।